वहीं रायपुर में नवनिर्मित एक्सप्रेसवे के अचानक धंसने से बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। पुल पूर्व बीजेपी सरकार में बनाया गया था, वहीं कमीशन खोरी के चक्कर में गुणवत्ता विहीन निर्माण कराया गया, जिसके कारण अब अचानक सड़क धंसने से कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। फिलहाल हादसे में किसी को जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं जगह जगह सड़क उखड़ने लगी है। इस मामले पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय ने कार्यकर्ता के साथ एक्सप्रेस वे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इस भ्रष्टाचार में जो भी अधिकारी नेता शामिल होंगे सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पिछले 15 साल में रायपुर राजधानी का एक्सप्रेस वे जहाँ सबकी नजर रहती है वहाँ पर गुणवत्ता में कॉम्प्रोमाइज किया गया है और उस पर भ्रष्टाचार किया गया, तो ग्रामीण अंचलों की क्या स्थिति होगी इसका भगवान मालिक है। वो जो जिन लोग इसमें दोषी हैं चाहे वो कोई भी हो उस पर कार्रवाई होगी। उस पर FIR की बात भी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग थाने में स्वयं जाकर FIR करेंगे और पूरी रिपोर्ट बनाकर विभाग को भी देंगे।